नमस्कार चाय आस इूज एनी स्टुडिओत मैं चंदना नगाव कठियातल जी धर्षण कांड संघटित एगी पंचाश बसिया व्यक्ति जी न बसिया किशोरीक धर्षण करषणकारी एतिया आरक्षीर जालत आमि जनायछो एई मुहूर्त अवशेषत आरक्षीर जालत परिल किशोरीक धर्षणकारी नगाव कठियातल कसारी गावर न बसिया शिशुक धर्षण कर लम्पत आरक्षीर जालत एतिया निशा नगावर नैश बास जुगे छत्तीसगढ़ गई थका अवस्था आटक कर कठियातल आरक्षी और आरक्षीर दलटे मोबाइल ट्रेक कर ग्रेप्तार कर सक्षम है किशोरी धर्षणकारी सुरेश राभाक यह मुहूर्त जानसो एट डांगर खबर अवशेषत आरक्षीर जालत परिल किशोरी धर्षणकारी नगाव कठियातल जी पंचाशर ऊर्धर व्यक्ति सुरेश राभा एगी नबसिया किशोरीक धर्षण कर अभियोग उत्थन एतिया धर्षणकारी आरक्षीर जालत अवशेष और यह घटना संघटित जो 26 जानुरी गणराज्य दिवस दिना यह घटना संघटित और किशोरीगढ़ भाबुक प्रदान कर परियालो लोकक अवगत नकरे किन्तु जेतिया किशोरीगढ़ी स्वास्थ्य अवनति घटिसिल तार पाछते एक समग्र घटना पोहरले आहे परियालो लोकलै आरो अवशेषत आरक्षीर जालत परिल धर्षणकारी सुरेश राभा अपने स्क्रीन प्रत्यक्ष करेश राभा जीगी धर्षण जी धर्षणकारी एगी न बसिया किशोरीक धर्षण कर अभियोग एतिया नगाव आरक्षी कठियातल आरक्षीर जिम्मा और यह मुहूर्त आम आरक्षीर मंत्य शुनबले विचार जोकाल इंगराजी 28/1/2021 तारिखे गुसरिया एजार दाखिल कर एक गोचर करेजे तहतर पुत्रीक एक गाँवरे निवासी सुरेश राभा नाम व्यक्त धर्षण कर माने किडनेप कर धर्षण कर आमे लगे मोर भिक्टिमजनीक एग्जामाइन करूँ और लगे लगे स्वास्थ्य परीक्षार बारे नगाव बी पी सी एच ले प्रेरण कर आम समूह पुलिस सुपारियर अफिसारक विषय अवगत करे आम घटनस्थल परदर्शन कर सम्पूर्ण साखीबादी संग्रह करते अपना एक्यूज सुरेश राभाक विचार अभियान आरम्भ करूँ जदि तखे निजर घर एरी छत्तीसगढ़ पलबले चेस्ा करबर पाए आम पुलिस चूरांश समूह नियोग करतेखेर थका मोबाइल नम्बर जो आम ट्रेकिंग तखेक विचार आरम्भ करूँ जदि सी मर्मे आम जो कल राति निशा नगाव टाउन पर सूपार जोगे छत्तीसगढ़ जब चेस्ा करवस्था तखेक जो कल राति आम पुलिस तदंतकारी दल तखेक करायत्त कर सक्षम हूँ तखेक जेरा अब्याहत कर अब्याहत करा और तखेक खुदपोस कर बर्तमान तखेर सेफ कस्टडिर तखेक नगाव पी एस लकअप रखा और आज तखेक कामपुर पी एस केस नम्बर 25/21 अंडार सेक्शन 365/376 ABIPC और सेक्शन 4 अफ पक्सो एक्ट मर्मे तखेक आज न्यायिक जिम्मा प्रेरण कर नगाव टाउनरेखे सूपार जोगे गुवाहाटर हो छत्तीसगढ़ जो चेस्ा चलाई भी आम खबर पासी सो आम तहतर पीछे पीछे तहतर मोबाइल तो ट्रेक कर जो कल राति आम तहतक मोबाइल ट्रेकिंग जरिए जो कल राति करायत्त कर सक्षम हूँ और यह आसिल आरक्षीर मंतव्य और नगाव कठियातल जी धर्षण कांड संघटित और सुरेश राभा नाम व्यक्तिगे धर्षण कांड पलायन कर तार पाछते कठियातल आरक्षी आटक कर सक्षम है सुरेश राभाक और निशा नगावर पर छत्तीसगढ़
নৈখ বাছৰে যাত্ৰা কৰা অৱস্থাতে যাত্ৰা কৰি থকা সময়তে কঠিয়াতলি আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লম্পট সুৰেশ ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত শতাধিক মহিলাই তেওঁ ঘৰ ঘেৰাও কৰি উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত লম্পট সুৰেশ ৰাভা আৰু এগৰাকী ন বছৰীয়া কিশোৰীক নিজ কামনাৰ বলি কৰিছিল লম্পট সুৰেশ ৰাভাই। আৰু কঠিয়াতলি আৰক্ষীয়ে 25/21U/S/365/376 ABIPC Section 4 POCO Act নম্বৰৰ গুছৰ ৰুজু কৰি জেল ৰুজু কৰি হাজুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লম্পট সুৰেশ ৰাভাক। আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা এগৰাকী 9 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা অভিযোগত অৱশেষত কঠিয়াতলিৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যদিও পলাতক অৱস্থাত আছিল তথাপিও নগাঁৱৰ পৰা ছত্তীশগড়লৈ বাছযোগে ৰাওনা হওঁতে কঠিয়াতলিৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হৈছিল 9 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী। সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আছিল সুৰেশ ৰাভা। আৰু অৱশেষত নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ যি আৰক্ষী আছে সেই আৰক্ষীয়ে সক্ষম হয় তেওঁক আটক কৰিবলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু নগাঁৱৰ পৰা ছত্তীশগড়লৈ বাছ যোগেদি ৰাওনা হওঁতে কঠিয়াতলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লম্পট সুৰেশ ৰাভাক।